नमस्कार, आप लोग का फानिया में स्वागत। भाई यहाँ पर देखेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में, जो कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेशली क्योंकि अब जो यहाँ से जनजातियों से प्रश्न पूछे जाने शुरू हो गए हैं। तो अब पक्का है कि भाई आगे भी शिफ्ट में पूछे जाएंगे आपको जनजातियों से क्वेश्चन, क्योंकि एनटीपीसी देख रहे हैं कि भाई जो मतलब एक क्वेश्चन पूछ रहा है तो उससे रिलेटेड मतलब कई सारी चीज़ें मतलब पूरी कुंडली खोल के उसकी रख दे रहा है सामने आपके। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अब जनजातियों से क्वेश्चन पूछा गया, तो जनजातियों से अब क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। आगे जो शिफ्ट होने वाली है उसमें जनजातियों से क्वेश्चन पूछा जाना श्योर है भाई। अब एक किस शिफ्ट ए नहीं लेकिन पूछा जाएगा पक्का, ए है ठीक है भाई, शुरू कर दिया इसने। तो अभी कल जो है देख सकते हैं, कल जो है जुलू जनजाति के बारे में पूछा, जुलू जनजाति जो है किस देश में निवास करती है, तो दक्षिण अफ्रीका में निवास करती है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे भाई और कौन कौन सी मोस्ट मॉडर्न जनजातियाँ हैं, कहाँ कहाँ पर निवास करती हैं। ओके, तो विश्व की प्रमुख जनजातियों में आप शुरू करेंगे भाई, भाई जनजातियों की अगर बात की जाए, जनजातियाँ होती क्या हैं, तो इनकी जैसे कि किसी विशेष स्थान पर मतलब एक ही जलवायु में निवास करने के कारण जो है प्रजातियों का एक जो है खास तरीका का जो है उनमें विकास होता है। जैसे कि श्वेत प्रजाति के लोग शीत प्रदेशों मतलब जो गोरे लोग होते हैं शीत प्रदेशों में रहते हैं, और काली प्रजाति जो निग्रोइड होते हैं वो लोग जो विषुवत रेखीय क्षेत्र मतलब जिसे हमारी जो भूमध्य रेखा है उसके आसपास वो निवास करते हैं। तो यही मतलब डिफरेंस पाया जाता है और इसी को जो है यहाँ पर देखेंगे। और मानव प्रजातियों का जो वर्गीकरण मतलब सबसे पहले इनमें जो डिफरेंट खोजा गया था वर्नियर महोदय ने खोजा था, ठीक है, वर्नियर महोदय के द्वारा ये चीज़ें डिफाइन की गई थी। अब देखेंगे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारी जनजातियां प्रमुख है उनके बारे में वन बाय वन करके सभी के बारे में देखेंगे। पहले पिग्मी की बात की जाए, पिग्मी तो पिग्मी कहाँ पे है, मध्य अफ्रीका कांगो बेसिन में निवास करते हैं। इनकी प्रजाति को भिन्न भिन्न देशों मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि भाई श्रीलंका में बेद्या कहा जाता है इन्हीं को बेद्या, न्यू गुनी में पपुआ कहा जाता है पापुआन भी कह सकते हैं, अमेजॉन बेसिन में रेड इंडियन कहा जाता है यानी उत्तरी अमेरिका भी आप कह सकते हैं, उत्तरी अमेरिका का जो बेसिन पूरा आपका है यानी जो आपका मिसिसिपी मिसौरी वाला एरिया लेकर और इधर अमेजन बेसिन ये सब पूरा मिलाकर जो यहाँ पर रेड इंडियन इनको बोला जाता है। याद रखिए भाई पिग्मी की बात की जा रही थी, पिग्मी को जो है अमेजॉन बेसिन में रेड इंडियन के नाम से या तो उत्तरी अमेरिका देगा तो भी रेड इंडियन कहा जाएगा। श्रीलंका में बात की जाएगी भाई अगर पिग्मी की जनजाति है तो कौन से उसको क्या नाम दिया, बेद्या दिया जाएगा, न्यू गुनी में पापुआन दिया जाएगा। बुशमैन की बात की भाई, बुशमैन दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। याद रखिए कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीका महाद्वीप में। याद रखिए बुशमैन जनजाति कहाँ रहती है, कालाहारी मरुस्थल में। सेमोंग की बात की भाई, मलेशिया थाईलैंड अंडमान निकोबार फिलीपींस मध्य अफ्रीका ये सब में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट है बद्दू। बद्दू जनजाति बात की जाए इसकी खासियत कहाँ भाई, अरब के उत्तरी भाग के मरुस्थल में पाई जाती है। अरब जो प्रायद्वीप हमारे हैं जैसे कि आपका ईरान वाला एरिया है जैसे सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, इन सब एरिया की बात की जाए तो वहाँ की जो मरुस्थल है उनमें ये पाई जाती है। नेक्स्ट है इस्किमो। तो भाई ये कनाडा और ग्रीनलैंड में, कनाडा और ग्रीनलैंड ये मंगोलाइड प्रजाति हैं जिनकी भाई नाक चपटी होती है उनकी बात की जा रही है, नाक चपटी होती है ठीक है, आँखें छोटी छोटी होती हैं उनकी बात की जा रही है। इस्किमो जो लोग होते हैं उनकी गाड़ी को क्या कहा भाई, स्लेज। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा, इस्किमो की गाड़ी को क्या कहा था, स्लेज। उनके नौका को कायक कहा जाता है ठीक है, शिकार में काम आने वाले तीखे भाले को हार्पून कहा जाता है ठीक है, जो नौका होती है उसको कायक कहते हैं और जो तीखे भाले होते हैं जिससे वो शिकार करते हैं उसको हार्पून कहते हैं। और इग्लू, इग्लू भाई उनके निवास मतलब जो जहाँ पे वो रहते हैं इस्किमो उनको निवास स्थान को क्या कहा जाता है भाई, इग्लू कहा जाता है। नेक्स्ट है युकागिर। युकागिर की बात की जाए, युकागिर कहाँ का निवास है भाई, टुंडा प्रदेश में बर्खोयास्क और स्टेनवाय पर्वत पर ये निवास करते हैं के बीच में, मसाई एक केन्या और पूर्वी युगांडा यानी अफ्रीका महाद्वीप में के पठारी प्रदेशों में घुमक्कड़ जनजाति है, मतलब एक जगह ये निवास नहीं करते, घुमक्कड़ जनजाति मतलब मुख्य रूप से जो केन्या और पूर्वी युगांडा के पठारी क्षेत्रों में ये जो है घूम घूम के अपना जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट है खिरकीज। खिरकीज की बात की जाए, किर्गिस्तान में निवास करते भाई। ओके, इनके घरों को जो है यूर्ट कहा जाता है। सीधे से आपसे पूछ सकता है कि निम्न की जनजातियों में कौन सी जनजाति यूर्ट में निवास करती है, यानी किन जनजाति के घरों को यूर्ट कहा जाता है, किसके, खिरकीज को, कहाँ पे निवास करते हैं, खिरकीज किर्गिस्तान। बोरा, बोरा जनजाति की बात की भाई कहाँ पे, ब्राज़ील पेरू कोलंबिया, ब्राज़ील पेरू कोलंबिया यानी दक्षिण अमेरिका जो वहाँ पे निवास करते हैं। महाद्वीप की बात की जाए दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट देखिए भाई, अब वन लाइनर के तौर पर यहाँ पे देखा जाएगा जो इंपॉर्टेंट है, स्काई। स्काई की बात की भाई मलेशिया में निवास करने वाली जनजाति है। ओके, पापुआन ये भाई न्यू गिनी में निवास करती है जो कि इसकी भाई पिग्मी की ही जनजाति है, मतलब पिग्मी की तरह मतलब उससे मेल खाने वाली जनजाति जिसको यहाँ पर पापुआन के नाम से जाना जाता है न्यू गिनी में। बर्बर जनजाति कहाँ पर निवास करती है भाई, उत्तरी अफ्रीका में। ओके, नेक्स्ट निग्रो। निग्रो कहाँ भाई, मध्य अफ्रीका में, अफ्रीका में ही सबसे ज़्यादा जनजाति है, मैक्सिमम वहीं से पूछा जाएगा। बेद्या की बात की भाई, श्रीलंका एक भी पिग्मी की प्रजाति आपको आगे लिखाया गया था।
पुलियान इंपॉर्टेंट है भाई, भारत का है तो इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। पुलियान होसा, होसा की बात करें भाई नाइजीरिया के मूल निवासी होते हैं, होसा जो है नाइजीरिया के मूल निवासी होते हैं। नेक्स्ट है फिंस, यूरोपीय टुंड्रा, यूरोपीय टुंड्रा जो वहाँ पे यूरोपीय टुंड्रा एरिया की बात की है वहाँ पे निवास कर, जैसे कि जो आपका रूस का ऊपरी एरिया यानी जो आपका आर्कटिक महाद्वीप की तरफ है उसकी बात की जा रही है। ओके, फल्लाह कृषक, फल्लाह कृषक की बात कहाँ भाई, मिस्र के निवासी को कहा जाता है, ठीक है, मिस्र में जो है फल्लाह जनजाति निवास करती फल्लाह कृषक के नाम से। अफरीदी पाकिस्तान, शाहिद अफरीदी का नाम सुना भाई, आप याद हो जाएगा पाकिस्तान। मग्यार या हेग्रेटी, हेग्रेटी भी दे सकता है और मग्यार भी, ये पूर्वी यूरोप में निवास करते हैं। ओके, नेक्स्ट है माया जनजाति, ये कहाँ निवास करते हैं, मैक्सिको में, माया जनजाति मैक्सिको में। बियर, बियर की बात की भाई कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में, बियर जो है दक्षिण अफ्रीका में निवास करते हैं। तातार, तातार को आप देख सकते कहाँ पे, साइबेरिया वाले एरिया यानी रूस का जो है आपका उत्तरी भाग, वहाँ पर ये निवास करते हैं, टुंडा मतलब ठंडे प्रदेशों में रहते हैं तातार। नेक्स्ट आपका है भाई माओरी, माओरी की बात की कहाँ पे निवास करते हैं, न्यूजीलैंड में, माओरी जनजाति जो है न्यूजीलैंड में निवास करती है। बाटू की बात की भाई कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका एवं मध्य अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका और मध्य अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका नहीं है, याद रखिएगा उत्तरी अफ्रीका नहीं, दक्षिण अफ्रीका और मध्य अफ्रीका की बात। रेड इंडियन की बात की भाई कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका, अमेजॉन बेसिन भी आपको दे सकता है, उत्तरी अमेरिका भी, दोनों चीज़ें आपको दे सकता है। जुलू, देखिए आपसे ही पूछा गया भाई, ये जो है कल के 16 जो है 16 जनवरी को ही पूछा जा चुका है, 16 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट में, 16 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट में इसको पूछा जा चुका है भाई, जुलू जनजाति कहाँ पर निवास करती है, किस देश में, दक्षिण अफ्रीका, नेटल प्रांत वहाँ का एक विशेष स्थान है, वहाँ पर ये निवास करती है, दक्षिण अफ्रीका के नेटल प्रांत में निवास करती है, याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका का अंतिम छोर भी आपसे कभी कभी पूछ लेते भाई, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप याद रखिएगा, सीधे सीधे आपसे पूछ सकता है भाई, केप ऑफ गुड होप जो है किसका अंतिम छोर है, क्योंकि यहाँ पर जो है पुर्तगाली शासक, जो पुर्तगाली जो यात्री था समुद्री यात्री वास्को डी गामा जब यहीं पर आया था, तो यहाँ पे अब्दुल मजीद ने उनकी सहायता की थी, तब जो है वो जाकर भारत को पहुँचे थे। ओके, याद रखिएगा भाई, केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका का सबसे अंतिम छोर है, अफ्रीका महाद्वीप भी कह सकता है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अंतिम छोर कौन सा है, तो यहाँ पे केप ऑफ गुड होप हो जाएगा। फुलाने के बाद के भाई कहाँ पे, नाइजीरिया में निवास करते हैं, ठीक है। काला मुख की बात की जाए भाई कहाँ पे, मध्य एशिया में, मध्य एशिया में जो कौन भाई, काला मुख निवास करते हैं। जीवारी अमेजन बेसिन में, तो भाई आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी जनजातियाँ थी सभी यहाँ पर आपको बता दिया जा गया है, इसके अलावा भाई हमको नहीं लग रहा है कि कोई और जनजाति जो है आपसे पूछी जा सकती, मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी थी सभी को लगभग यहाँ पे करा दिया गया, अगर कोई बाहर से पूछ ला जाती तो उसको जो है एक भाई दुर्भाग्य ही कहा जाएगा, वरना जो है सभी लगभग इसी में से आपके आने के चांसेस को पूरा का पूरा बनाए, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी जनजातियाँ विश्व में है सभी को मैंने इसमें शामिल करके आपको बता दिया है और यहाँ पर करा दिया गया है। ओके, अब भाई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो पहुंच सके, और क्या भाई किस प्रकार का वीडियो चाहिए, मतलब किससे रिलेटेड वीडियो चाहिए उसको कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ताकि आपको जो है उसका वीडियो बहुत जल्द ही उपलब्ध कराया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए, थैंक यू।